ओके तो ये है ट्रू के बीटीजी 3 यानी बॉन्ड टू गेम 3 एडिशन, हाल ही में लॉन्च हुए हैं और इसकी बहुत सारी वीडियो आपने देख ली होगी। लेकिन ये रिटेल यूनिट है ठीक है, और मैंने इसे परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हो अगर आपके पास वहां कोई कार्ड या ऑफर आपको लग जाता है। फ्लिपकार्ट पे जो मेन ऑफर चल रहा है वो है फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए साइन अप करने पे आपको 100 रुपीज का गिफ्ट कार्ड मिलेगा, क्योंकि बोलते हैं कि एक डेट रेंज में क्रेडिट बैक होगा, तो आपके लक पे अगर आपको वो जल्दी क्रेडिट हो गया तो आपके इसी ऑर्डर में वो माइनस हो जाएगा और आपको 12.99 का पड़ेगा, और अगर वो लेट से क्रेडिट हुआ तो फ्लिपकार्ट से तो आप कुछ ना कुछ और फिर ले ही लोगे ठीक है। तो अब बात करते हैं कि 24 आवर्स हो चुके हैं, अगर आपने मेरी अनबॉक्सिंग देखी होगी 24 आवर्स हो चुके हैं, तो 24 आवर्स में इसका रियल लाइफ क्या यूजेज रहा, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो वो कैसी थी, सीरियस प्रॉब्लम है, डील ब्रेकर टाइप या मैनेजेबल है, और सब कुछ प्राइस को देखते हुए 12.99 की प्राइस को। और दूसरी बात यह कि अच्छी बातें क्या है और जो इसको लीक से हटके बनाती है। एक छोटी चीज गौर करना, ये लाइट्स दोनों जलती रहेंगी और वीडियो में, और आपको आगे पता चलेगा कि ये क्यों जल रही और क्या सीन है। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो उतनी अच्छी बात नहीं लगी और थोड़ा अजीब भी फील हुआ, ये मेरे चौथे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, और या वायरलेस ईयरबड्स भी या कोई भी प्रोडक्ट इन जनरल म्यूजिक रिलेटेड, जैसे नेक बैंड्स वगैरह भी यूज किए मैंने 2-3। ये पहला प्रोडक्ट है जिसमें मुझे पूरे मैनुअल की जरूरत पड़ी ठीक है, इसका बताता हूँ अभी, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स की भी, क्योंकि इसके जो एक साइड की फिट थी वो उतनी प्रॉपर नहीं थी, तो वो तो कान टू कान या कंपनी टू कंपनी, ब्रांड टू ब्रांड डिफर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है इसलिए शेयर करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि आप ईयरबड्स को यूज करने से पहले कनेक्ट वनेक्ट करते हो यूजेज से पहले, तो कनेक्शन में कोई इशू हुआ क्या? नहीं, कोई इशू नहीं हुआ। केस को खोल के दोनों ईयरबड्स को बाहर निकालना होता है और फिर आप ब्लूटूथ में रिफ्रेश कर लो या स्कैन कर लो तो वो आपके शो हो जाते हैं। अभी ऑफ हो गया, अब क्यों ऑफ हुआ देखना वीडियो में, क्योंकि जल ही रहते उतने टाइम से तो उसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद बात आती है कि कनेक्शन के टाइम आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आप कोडेक सपोर्ट में एसबीसी और एएसी दोनों का सपोर्ट है, तो आप एएसी को ऑन कर सकते हो, क्योंकि मेरे फोन में वो कनेक्शन के टाइम ही आता है तो मैंने वहीं पे ऑन किया था। अगर आपके में नहीं आता है तो ये नेक्स्ट स्टेप की बात होगी जब भी आएगा। इसके बाद आते हैं कि यूज करने से अराउंड आपको एक चीज का टेंशन होता है, बैटरी लाइफ, बैटरी। तो देखो बैटरी का क्या सीन है, थोड़ा मिक्स्ड यहाँ पे, बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, जैसे क्लेम्ड जितनी नहीं है, क्लेम्ड 10 आवर्स फॉर द ईयरबड्स है, 10 घंटे सिर्फ ईयरबड पे, और केस के साथ आपके ये 48 आवर्स तक जाएंगे, यानी 2 दिन की क्लेम्ड। अब मैंने तो 24 आवर्स में ही रिव्यू बना दिया है, मतलब शॉर्ट रिव्यू है, शॉर्ट टर्म, तो ईयरबड्स डेफिनेटली 7 घंटे तो चल गए ठीक है, कोई इशू नहीं आया, 7 घंटे चले, और उसमें वॉल्यूम का भी कोई रिस्ट्रिक्शन होता है कि 40% वॉल्यूम पे 50% पे, तो मेरा भी मिक्स यूजेज ही रहा है, उतना हाई म्यूजिक सुनता नहीं हूँ, तो 50% के अराउंड ही वॉल्यूम आप पकड़ लो या 60% मान लो ठीक है, तो उसमें 7 घंटे तो आराम से चल गए, उससे ऊपर ही चलते, लेकिन मैंने बीच में ही चार्जिंग लगा दिया क्योंकि 0 होने तक कौन वेट करता रहता। उसके बाद आते हैं कि म्यूजिक सुन रहा था तो क्वालिटी पे सीधे बात कर लेते हैं, क्वालिटी ऐसी थी, देखो क्वालिटी कुछ ऐसी बहुत खास नहीं थी, क्योंकि मैं इससे पहले अगर आपने देखा है तो डीजो के बर्ड्स जी जिसके प्रो एडिशन लॉन्च होने वाले हैं, और वो क्यों नहीं लेना चाहिए, और एक और दूसरा उसका कॉम्पिटिटर क्यों लेना चाहिए, उसका कंपैरिजन ने डाल दिया था, क्या डीजो बर्ड जी यूज कर रहा था वो इससे हल्का सा बेटर है। अब फिट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप ईयर्स में पहनोगे तो वहीं पे फिट की बात आ जाती है, क्योंकि मैं हमेशा कंफर्ट पे जोर देता हूं, और वही मेन रीजन था जो डीजो बर्ड्स जी और ओपो इनको के कंपैरिजन में मैंने डीजो बर्ड्स जी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए थे, और एक नहीं 2 जगह दिए थे। तो ये सीन है, इनका कंफर्ट तो अच्छा है क्योंकि ये स्टेम डिजाइन है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बोला कि ये वो पहला म्यूजिक रिलेटेड प्रोडक्ट है जिसमें मुझे, और वो बहुत पहले बोट के वायर्ड वाले थे ना, 550 या कुछ बोट हेड्स बेस हेड्स, तो उसमें मुझे एक बार ईयर टिप्स चेंज करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि वो मेटालिक थे और एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट और गड़ते थे, ये खैर एंगल्ड है और ईयरबड्स भी सही है, स्टेम डिजाइन है, कान में फिट होता है, लेकिन किसी वजह से राइट साइड का फिट उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैंने ईयरबड्स चेंज कर लिए, तो वो हल्का सा एक मतलब फर्स्ट इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं बनाता कि यार चेंज करना पड़ो, है ना, वो तो ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, इसको इग्नोर करके आगे बढ़ो। कॉल क्वालिटी पे आता है, मैंने सिर्फ एक कॉल ली, मैं कॉल लॉग भी दिखा सकता हूँ, सिर्फ एक कॉल ली और इसी पे, और तुरंत, मतलब तुरंत बोले तो हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के बाद जो भी एक दो लाइन भी बात हुई होगी तो तुरंत वहां से आ गया कि कुछ मतलब डिस्टर्बेंस है या कुछ अलग लग रहा है ठीक है। मैं पूछते में ही ठीक है, मतलब मेरा क्वेश्चन शुरू होते ही सामने वाला समझ गया कि ये इशू या इसके बारे में पूछने वाला है,
ठीक है, तो उसने तुरंत बता दिया। तो भाई एक मिनट में ही पकड़ में आ गया कि आप कुछ और यूज कर रहे हो। देखो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है कि आप इसका कॉल पे बात कर रहे हो, क्योंकि फोन में भी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन्स होते हैं, अगर वो रियलमी का बजट फोन नहीं है तो ठीक है। और एक दो कंपनीज और हैं, रियलमी सबसे फेमस नाम याद है जो ओमिट करने के लिए इनफेमस है, तो सेकेंडरी माइक्रोफोन उसमें भी होते हैं, तो कॉल क्वालिटी और सब सही बहुत अच्छी आती है, क्योंकि फोन का मेन काम कॉल करना ही है, अब नहीं रहा, कभी होता था। तो ये अगर आप यूज करोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि आप फोन के बजाय किसी इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो बात करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि साउंड और इस सब की बात हो रही है, और एक कमेंट भी आया था उसको मैं अभी लाइक और वगैरह वगैरह वहां भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम, जो छोटी सी क्यों मैं बोल रहा हूँ और बड़ी किसके लिए हो सकती है, इसमें एक हिसिंग साउंड आता है जब आप कनेक्ट करते हो ना म्यूजिक से या किसी चीज से, तो एक हल्का सा स्टैटिक, अगर कोई फिजिक्स पढ़ा है या कुछ किसी टाइप का प्रैक्टिकल किया है, हल्का सा स्टैटिक साउंड आता है, ठीक है। और वो अगर आप 50% वॉल्यूम कर दोगे तो तुरंत गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो एकदम लाइट है। लेकिन एक बात कि आपकी ईयर्स की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है, अगर आपके ईयर सेंसिटिव हैं, ठीक है, अगर आप कुछ म्यूजिक बफ टाइप हो कुछ भी, तो आपको ये परेशान कर सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग होते हैं वो अलार्म की सेकंड घंटी पे उठ जाते हैं, और कुछ लोग का अलार्म स्नूज पे स्नूज चलता रहता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। सेम केस में मैंने ये नोटिस किया है हिस साउंड, और खासकर वो कमेंट पढ़ने के बाद और ज्यादा ध्यान जाने लगा कि ऐसे कुछ साउंड आ रहा है या कुछ साउंड, ठीक है। तो वो बात है कि अगर आपका ध्यान बार बार जाएगा तो आप नोटिस करोगे ज्यादा चीजों को, ठीक है। तो हल्की सी हिस साउंड आती है, बिल्कुल सच बात है, और ईयर सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको लेते हो, परचेज करते हो, और अगर आपको हिसिंग साउंड से प्रॉब्लम है, अगर आपकी आपको पहले से पता है कि ईयर सेंसिटिव है, तो खरीदो मत। और अगर आप यूज कर रहे हो और अगर आपको हिसिंग साउंड लगता है कि नहीं मैं तो 20% पे कुछ सुन रहा हूँ या 30% पे और हिस साउंड अभी तक फील हो रही है, तो मतलब इसका मैंने वेब पे भी देखा, उस कमेंट पढ़ने के बाद बहुत चीजें देखी, तो ये होता है, ये सस्ते ईयरफोन्स में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कुछ जैसे मैंने स्मार्ट वॉचेस की वीडियोस डाली हैं, तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने वहां भी आपको एक वेब का आर्टिकल का लिंक दिया था कि सस्ते स्मार्ट वॉचेस में जो सेंसर्स यूज होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और क्यों इतनी अजीब सी रिजल्ट आती है। कुछ वैसा ही इस केस में भी है, जो सस्ते ईयरबड्स होते हैं, ठीक है, यूं कहो कि लोकल ब्रांडेड टाइप जो होते हैं, वो कुछ ऐसे छोटे छोटे चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उस स्टैटिक नॉइज को पूरी तरह छुपाने में कारगर नहीं होता है, तो आपको हल्की सी हिसिंग साउंड आती है। एक रीजन और है कि अगर आपके इसमें कुछ नॉइज कैंसिलेशन टाइप का कोई फीचर है, जैसे वन प्लस के जी के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, और मैंने उनके फोरम्स भी पढ़ा कि वैसा कुछ है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो नॉइज कैंसिलेशन के लिए जो अच्छे चीज के लिए डाला जाता है, तो क्योंकि आपका ईयर सेंसिटिव है या कुछ, तो आप उस नॉइज कैंसिलेशन के लिए जो आवाज प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी आप सुन पाते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये सस्ते ब्लूटूथ ईयरबड्स के लिए कोई बहुत खास बड़ी बात नहीं है। मैं कुछ इसमें ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने डीजोबड्स जी यूज किया है, वो 1500 रुपए के आसपास का है, उसमें मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने ओप्पो इनको बड्स एक हफ्ते यूज किया, उसमें मैंने नोटिस नहीं किया, ठीक है। इसमें नोटिस हो रहा है, बिल्कुल नोटिसेबल है, ठीक है, 100% आप नोटिस कर सकते हो आपकी ईयर सेंसिटिविटी पे। एक बार और बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है, अगर आपके ईयर सेंसिटिव है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मत खरीदो, ठीक है। और भी ऑप्शन है मार्केट में, उसकी तरफ देखो। अब बाकी बात करते हैं, एलईडी इंडिकेटर्स, जैसा मेन बात खत्म हो गई, तो अभी छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये मैनुअल का जरूरत पड़ेगा, इस मैनुअल की जरूरत पड़ी मुझे और आपको भी पड़ेगी, क्योंकि मुझसे मैंने समझ नहीं पा रहा था कि ये ऑफ कैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत देर तक ब्लिंक करते रहे। तो देखो सीन ये है कि जब तक ये इसके अंदर के ईयरबड्स चार्ज होते रहेंगे तब तक ये ब्लिंक करता रहेगा, हाँ ठीक है। ये यहाँ किसी पीछे किसी पेज पे दिया है, आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं एक बार इसको कैमरे के पास ले जाता हूँ, अगर आप एक स्क्रीनशॉट ले दो तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। एक और पेज है, वो भी डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, इस पेज पे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेना कि जब तक ये फुल चार्ज नहीं होते इसके अंदर की ईयरबड्स, तब तक ये जलते रहेंगे। और बस केस का चार्जिंग का आइडिया आपको कैसा लगेगा कि ये रेड ब्लिंक करते रहेंगे, और जब ये सॉलिड रेड हो जाएंगे, यानी मतलब जुगनू की तरह ऐसे ऐसे रेड रेड करते रहेंगे, तो मतलब अभी तक केस चार्ज हो रहा है, और जब वो सॉलिड रेड हो जाएंगे, जब स्टैटिक हो जाएंगे, तो इसका मतलब फुल चार्ज हो गया, तो आप इसको प्लग आउट कर सकते हो। एक बात और यहाँ पे इंडिकेशन के बारे में बात हो रही है, तो बैटरी इंडिकेशन वगैरह का क्या प्रॉब्लम आता है इसमें, कि अगर आपका न्यू फोन है या आपका कोई रिसेंट एंड्रॉइड है या वैसा कुछ, और अगर आपके कंट्रोल पैनल में जो बोलते हैं उसमें अगर आपका शो हो जा रहा है बैटरी परसेंटेज, तो आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है, तब तो आप फ्री माइंडेड हो।
लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो फिर आपको कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी रियलमी वगैरह के ईयरबड्स में जैसे कोई ऐप सपोर्ट वगैरह होती है, उस तरह की कोई ऐप सपोर्ट वगैरह आपको इसमें देखने नहीं मिलेगी। जो भी है फोन के भरोसे, इसे हर जगह भाई लिखा हुआ है, मैं एग्जैक्ट वर्डिंग्स आपको बता देता हूँ, डिपेंड्स ऑन द सपोर्टेड मोबाइल मोबाइल डिवाइस, ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है इस पे। तो मैनुअल एक बार जरूर पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि सामान के साथ फेंक देना इसको। अब मेन इसका सेलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो दो सबसे बड़ी बात है वो, क्योंकि अनबॉक्सिंग में सबसे पहले बोल दिया इसलिए इसमें लास्ट में बोल रहा हूँ। सबसे पहला इसका वियर डिटेक्ट, तो क्या वियर डिटेक्ट काम करता है? हाँ वियर डिटेक्ट काम करता है, लेकिन क्या 10 में से 10 बार काम करता है? नहीं, 10 में से 10 बार काम नहीं करता है, 10 में से लेकिन 8 बार आराम से काम करता है। और पहली बात तो इस प्राइस रेंज में और किसी में है नहीं, सीधे 2000 आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपको वियर डिटेक्शन चाहिए तो। दूसरी बात, ये ट्रू वियर डिटेक्शन है। अब बोलोगे ट्रू वियर डिटेक्शन क्या होता है, तो देखो जैसे डीजो के नेक बैंड्स में मैग्नेटिक ऑन ऑफ था, ठीक है, तो आप जब उसको क्लिप ऑन कर देते थे तो वो ऑफ हो जाता था, लेकिन वापस से करने पे प्ले नहीं होता था। क्यों प्ले नहीं होता था? क्योंकि वो मैग्नेटिक ऑन ऑफ था, मतलब ऑफ के बाद ऑन, वो प्ले पॉज नहीं था। वियर डिटेक्ट जो है वो प्ले पॉज फंक्शन है, मगर मतलब अगर आप उसको कान से निकालोगे तो वो पॉज हो जाएगा, और कान में ये सेंसर मतलब जैसे ही डिटेक्ट करेगा कि आपने कान में वापस पहन लिया तो वो प्ले हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें जो आपको गौर करनी है वो ये है कि सिंगल ईयरबड भी अगर आप हटाते हो तो वो प्ले पॉज होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसको एक्टिवेट करने के लिए इधर के कंट्रोल्स में आपको कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कहीं पे कंट्रोल्स इसके लिखे हुए हैं, उसमें क्या है कि आपको लेफ्ट ईयरबड पे 3 बार टैप करना है और आपको एक वॉइस सुनाई देगी कि वियर डिटेक्शन इनेबल्ड या ईयर सेंसर टर्न ऑन, ईयर सेंसर इनेबल्ड, ऐसा कुछ, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट बात तो करनी है, वो है गेम मोड की। मैंने सिर्फ एक गेम ट्राई की, सिर्फ एक बार ट्राई की, मैं गेम का बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूं, और लेटेंसी कम लगी, 55 मिलीसेकंड लगी या नहीं नो आइडिया। गेम मोड है, गेम मोड ऑन किया था, बिल्कुल किया था, 55 मिलीसेकंड और 80 मिलीसेकंड जो कि डीजो या एनको ओपो एनको में थी 88, क्या डिफरेंस है मुझे पता नहीं चला। अगर आप कोई गेमिंग टेस्ट देखोगे दूसरे चैनल्स पे तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा, या स्लो डाउन करके स्लो मोशन में जो कोई 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 यूट्यूबर्स अगर दिखाते हैं तो आपको वो सही लगेगा। चलो फिर इतना ही था। अगर आपका ईयर सेंसिटिव है और स्टैटिक नॉइस है, स्टैटिक नॉइस को क्या सॉल्यूशन अगर मुझे कुछ मिलता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका बजट लिमिटेड है लेकिन अगर आपको ये वियर डिटेक्शन चाहिए, क्योंकि देखो नॉर्मल ईयरफोन से सीधे प्रीमियम कैटेगरी का ये फीचर है इसमें वियर डिटेक्शन, तो अगर आपका कुछ वैसा है तो देखते हैं उसका कुछ सॉल्यूशन होता है तो मैं ट्राई करता हूँ, कुछ मिलता है तो डाल दूंगा। तब तक के लिए तो यही है, 1299 में कोई बुरा बेट नहीं है, क्योंकि मैं तो 50% वॉल्यूम पे आप कुछ भी सुनोगे तो स्टैटिक नॉइज आएगी नहीं। हाँ अगर आप पॉज कर दोगे वीडियो, मान लो पॉज कर दी या चलने के लिए कुछ सर्च कर रहे हो, तो उस टाइम में हो सकता है कि आपको वो स्टैटिक ज्यादा फील हो। चलो बाय।